आपको आम खबर से आगाह करें, 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत, इस्तगासा के आखिरी गवाह मियां उमर नदीम पर आज भी जिरह ना हो सकी। अदालत ने वकला सफाई को कल आखिरी गवाह पर जिरह करने का हुक्म दे दिया। सुहेल राजा तफसीलात बता रहे हैं। जी सुहेल, बताइएगा क्या तफसीलात है इस हवाले से। जी बिल्कुल, देखें 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत कल तक मुलतवी की गई है। इस्तगासा के आखिरी गवाह मियां उमर नदीम नैब के जो तफ्तीशी अफसर हैं उस पर आज भी जिरह ना हो सकी है। अदालत ने वकला सफाई को कल आखिरी गवाह पर जिरह करने का हुक्म दिया है। वकला सफाई की जानिब से रेफरेंस की समाअत एक हफ्ते तक मुलतवी करने की दरख्वास्त की गई, जिसे अदालत ने मुस्तरद किया है। इसके साथ बानी पी टी आई की दरख्वास्त से बरीयत मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला देने की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है, जबकि वकला सफाई की समाअत एक हफ्ते तक मुलतवी करने की इस्तः को भी मुस्तरद किया गया है। इस तरह ये समाअत रेफरेंस की समाअत जो साफ अदालत के जज नासिर जवेद राणा ने अडयाला जेल में की है। समाअत के दौरान बानी पी टी आई और गुस्सा बीबी को कमरा अदालत में खसूसी अदालत के सामने पेश किया गया, जबकि नैब के डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर अब्बासी भी अपनी टीम के हमरा अदालत में पेश हुए हैं। अब अदालत ने कल जो है नैब के डिप्टी डायरेक्टर हैं उन मियां उमर नदीम पर जिरह कल करने का हुक्म दिया है। जी जी शुक्रिया सुहेल।